दोस्तों मानो आप अपनी गाड़ी को कहीं पार्क करके गए हुए हैं पैरेलल पार्किंग में, और आप आते हैं अपनी गाड़ी के पास गाड़ी को निकालने के लिए, और आपके गाड़ी के आगे और पीछे ज़्यादा सटी हुई गाड़ियां खड़ी हैं, तो आप अपने गाड़ी को कैसे निकालेंगे? देखिए दोस्तों, अगर आप एक पुराने ड्राइवर हैं तो अच्छे से बाहर निकाल लेंगे, जैसे मैं आपको निकाल कर दिखाने वाला हूँ। अगर आप बिगनर हैं तो आप ये सोचते हैं कहीं मैं अपने गाड़ी को बाहर निकालूँ तो आगे वाली गाड़ी में या पीछे वाली गाड़ी में मेरी गाड़ी टच न हो जाए। दोस्तों आज मैं आपको सिंपल तरीका बताने वाला हूं, आप भी अपने गाड़ी को एकदम आराम से निकाल पाएंगे, कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगा। दोस्तों जैसे ही मैं अपने गाड़ी के पास आया गाड़ी निकालने के लिए, तो मैं देखा मेरे गाड़ी के सामने एक स्कूटर खड़ा है, काफ़ी सटा हुआ, मुश्किल से 6 इंच का फासला है। और आप देख सकते हो कि पीछे जो गाड़ी खड़ी है ये भी दोस्तों काफ़ी नज़दीक है, लेकिन 6 इंच से ज़्यादा फासला यहाँ पर है, गैप है। तो मैं आपको दोस्तों बिना एडिटिंग किए, बिना कट किए दिखाऊंगा कि आप कैसे अपनी गाड़ी को ऐसी जगह से बाहर निकालेंगे, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगा। जब तक मैं गाड़ी के अंदर बैठता हूं दोस्तों, गाड़ी को स्टार्ट करूंगा, तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना, और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखिए मैं अपने गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ। मेरी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। अब देखिए मैं गाड़ी में रिवर्स गियर डालूँगा, पहले मैं अपनी गाड़ी को पीछे लूँगा, क्योंकि दोस्तों पीछे थोड़ा ज़्यादा जगह था, और पूरा राइट में स्टीयरिंग घुमा के पीछे लूँगा। अगर आगे ज़्यादा जगह होता दोस्तों तो मैं पहले गाड़ी को आगे लेता था, लेकिन पीछे ज़्यादा जगह था तो पहले मैं पीछे ले रहा हूँ। अब मेरी गाड़ी पीछे आ चुकी है, तो अब मैं दोस्तों फर्स्ट गियर डाल के पूरा स्टीयरिंग लेफ्ट में घुमाऊंगा, एकदम पूरा स्टीयरिंग दोस्तों, ज़रा सा भी बाकी नहीं रखना है। उसके बाद गाड़ी को आगे लेना है। अब देखिए एक बार मैं गाड़ी को पहले पीछे लिया फिर आगे लिया, अब मैं फिर पीछे ले रहा हूँ गाड़ी को रिवर्स में, पूरा स्टीयरिंग राइट में फिर घुमाऊँगा। मिरर में आप देख सकते हो जजमेंट के लिए, मेरी गाड़ी दोस्तों देखिए पीछे आ चुकी है। अब मैं अपनी गाड़ी को वापस आगे लूँगा, फर्स्ट गियर और पूरा स्टीयरिंग लेफ्ट में। अब देखिए दोस्तों इस बार मेरी गाड़ी पूरा का पूरा निकल जाएगी, कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होगा, एकदम आराम से पूरा गाड़ी बाहर निकल गया है। एक बार गाड़ी को मैं पीछे लिया फिर आगे लिया फिर पीछे लिया फिर आगे लिया तो निकल ही गया। अगर आप ऐसी जगह पे फंसते हैं तो आप इस तरह से गाड़ी को एकदम आराम से बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होता है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।